हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम साहिल रॉय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर। जैसा कि हम पास्ट ईयर पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंड फ्लो एनालिसिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर क्वेश्चन पेपर में ये ज़रूर पूछा जाता है, तो इसे अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। और ये शुरुआत करते हैं फंड फ्लो एनालिसिस के पास्ट ईयर पेपर की। पहला क्वेश्चन 2004 में पूछा गया है फॉर 5 मार्क्स और क्वेश्चन है How is fund flow statement is different from profit and loss account? दूसरा क्वेश्चन दो बार रिपीटेड है, 2007 और 2008 में पूछा गया है। ये भी शॉर्ट के लिए पूछा गया है फॉर 5 मार्क्स और क्वेश्चन है How does fund flow different from income flow? ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है फॉर 5 मार्क्स और क्वेश्चन है Distinguish between fund flow statement and income statement. सेम क्वेश्चन रिपीटेड। अगला क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है फॉर 5 मार्क्स और क्वेश्चन है व्हाट इज स्केड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, गिव स्पेसिमेन। अगला क्वेश्चन 2001 में लॉन्ग के लिए पूछा गया है और क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फंड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, डिस्क्राइब द मैकेनिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ फंड फ्लो स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल इलस्ट्रेशन। आपको एक फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक इलस्ट्रेशन भी, एक स्पेसिमेन भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है फॉर 20 मार्क्स, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन 2002 में पूछा गया है फॉर 20 मार्क्स और क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म फंड्स, व्हाई इज अ फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2003 में पूछा गया है फॉर 20 मार्क्स। क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब एंड इलस्ट्रेट द टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ फंड फ्लो स्टेटमेंट from the final account of a joint stock company. अगला क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है for 20 marks. और क्वेश्चन है describe and illustrate the different stages in the construction of a fund flow statement. अलग अलग stages आपको construction भी explain करना है और एक आपको specimen भी देना है। ठीक है, तो fund flow statement में जो construction का जो part है वो आपको अच्छी तरीके से prepare करना है, अलग अलग stages क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन 2006 में पूछा गया है फॉर 20 मार्क्स। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपको ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है 2006 में डिस्क्राइब द मैकेनिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ फंड फ्लो स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल एग्जाम्पल। अगेन एग्जाम्पल, एक स्पेसिमेन तैयार कर लीजिएगा और आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ने की जरूरत है कि क्या प्रोसीजर है कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, अगला 2007 में सवाल पूछा गया है फॉर 20 मार्क्स और क्वेश्चन है यूजिंग नेटवर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट ऑफ फंड फ्लो एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर 20 मार्क्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2009 में पूछा गया और क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल इलस्ट्रेशंस द कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ FFS फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब ये जो कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स है, ये हाउ टू प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट्स आपके बुक में है, आप उसे तैयार कर सकते हैं, यहां पे आपको वही लिखना है। अगला क्वेश्चन 2008 में पूछा गया और क्वेश्चन है डिस्कस द स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर 20 मार्क्स। देखिए 20 नंबर के लिए, और यहां पे आपको इलस्ट्रेट भी करके बताना है, ये सवाल में नहीं है लेकिन आपको इलस्ट्रेट करके उसका एक स्पेसिमेन देने की जरूरत है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 2012 और 2013 में पूछा गया है, दो बार आया है और क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फंड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, डिस्क्राइब द मैकेनिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ फंड फ्लो स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल इलस्ट्रेशन, 20 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है व्हाट डज द टर्म फंड्स कैनोट फॉर द पर्पस ऑफ फंड फ्लो एनालिसिस फॉर 5 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है और क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फंड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, डिस्क्राइब द मैकेनिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2017 में पूछा गया और क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल सोर्सेज एंड द यूजेस ऑफ फंड्स 5। देखिए सोर्सेज एंड यूजेस, देखिए सोर्सेज का मतलब कहां कहां से पैसा आ रहा है और यूजेस का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, कहां कहां आप वो पैसे को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके बुक में साफ साफ दिया, आप पढ़ सकते हैं और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मेरा जो इंस्टाग्राम का EU कॉमर्स स्कॉलर का जो इंस्टाग्राम का पेज है आप उसमें मुझसे बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू हेल्प यू एग्जामिनेशन का टाइम है, तो आप कभी भी मैसेज करेंगे पढ़ाई से रिलेटेड आपको आंसर मिलेगा।
अगला क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है, एक्सप्लेन फंड फ्रॉम ऑपरेशन फॉर 10 मार्क्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2014 में पूछा गया, डिफरेंशिएट बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 5 मार्क्स, आपकी बुक में दिया है। अब ये थे आपकी क्वेश्चंस, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम कह सकते हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट कैन बी सेड टू बी अ रिपोर्ट विच समराइजेज द इवेंट्स टेकिंग प्लेस बिटवीन टू अकाउंटिंग पीरियड्स। इट स्पेल्स आउट द सोर्सेज फ्रॉम विच द फंड्स वेयर डिराइव्ड एंड द यूजेस टू विच दीज फंड्स वर पुट, ठीक है। इन दिस स्टेटमेंट ओनली द चेंजेस आर शोन सो दैट द आउटकम ऑफ अ ट्रांजेक्शन और ऑफ अ सीरीज ट्रांजेक्शन अपॉन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इज रिफ्लेक्ट मोर शार्पली। तो ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, दो साल के बैलेंस शीट को कंपेयर करते हैं और कंपेरिजन के बाद हमें बड़ी अच्छी तरीके से आइडिया लग जाता है कि हमारा लॉस क्यों हुआ या फायदा क्यों हुआ या किस पर्टिकुलर जगह पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो वो जो बैलेंस शीट हमें नहीं बताती, फंड फ्लो स्टेटमेंट बैलेंस शीट को कंपेयर करने के बाद हमें हेल्प करता है जानने में। होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।